हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर जो है अभी बज रहे हैं 3:00 PM, तो निकू भी स्कूल से आ चुका है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो आज है मंडे, तो मंडे को जो है मैं फास्ट रखती हूँ, तो इसलिए यहाँ पर बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी। और आप देख सकते हैं टिक्कू निक्कू हैं जो हमारे बैठे हुए हैं सेल्फ पर, और दोनों ही खेल रहे हैं। और मैंने जो मूंगफली को भून कर रखा था उनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सर में पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने जो है पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, और साथ में मैंने यहाँ लिया है 1 बॉइल आलू, तो जिसको कर रही हूँ मैं मैश। तो यहाँ ये काफ़ी बड़े साइज़ का आलू था, और यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। तो यहाँ पर जो है मैं हरी मिर्च ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि टिक्कू भी जो है हमारा साबूदाने की खिचड़ी खा लेता है, तो मैं इसलिए इसे तीखा नहीं बनाऊँगी। मैंने इसमें बॉयल आलू ऐड कर दिया है, और साथ में ही यहाँ पर जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे साबूदाने उनको ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो मैंने मूँगफली का पाउडर बना के रखा है उसको भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और साथ में ही डाल दूँगी सेंधा नमक, और फिर इनको जो है अच्छे से मैं भून लूँगी। यहाँ पर जो है साबूदाना खिचड़ी बनकर है तैयार, और यहाँ पर जो है निक्कू टिक्कू के साथ मैं खा रही हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पर जो है रूम से आती है धूप, तो हम लोग यहीं पर बैठकर खा रहे हैं खिचड़ी। यहाँ पर अभी बज रहा है शाम का 4:30, तो जो है मैं टिक्कू के बालों में डाल रही हूँ ऑयल, और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा इसे धूप में भी बिठा कर रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर जो है मैं टिक्कू की कर रही हूँ चोटी। हेलो फ्रेंड्स, सो कैसे हैं आप सब लोग, और गुड आफ्टरनून। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो यहाँ पर जो है मैं टिक्कू की कर रही थी चोटी, क्योंकि उसके बाल थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं और आँखों पर आते हैं, जिससे उसको प्रॉब्लम होती है। तो मैं चोटी कर देती हूँ, पर आपने देखा है वो काफ़ी नखरे करता है, चोटी जो है अच्छे से नहीं बनवाता है। काफ़ी जब मैं उसका यहाँ वहाँ ध्यान भटकाती हूँ उसके बाद ही वो चोटी करता है। वो थोड़ा सा नटखट है और काफ़ी परेशान करता है। और चलिए, अभी निकू का हो गया है कोचिंग से आने का टाइम, तो लेकर आती हूँ मैं उसे। और साथ में ही आज है मंडे, तो मैं जाऊँगी सब्जी लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर जो है अभी बज रहे हैं शाम के 6, देख सकते हैं टिक्कू निक्कू खेल रहे हैं, और जो कि टीवी का रिमोट का कवर है उसके ऊपर पन्नी से मैं उसको रैप कर रही हूँ, ताकि रिमोट गंदे नहीं होते हैं। और साथ में ही ये टिक्कू निक्कू काफ़ी फेंकते हैं, तो जो कि उनके कवर बार बार निकल जाते हैं और सेल गिर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 6:30, और आज रात के डिनर में मैं बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी, यानी कि काबली चने की सब्ज़ी, साथ में ही रोटी और चावल। तो काबली चने को जो है मैंने मॉर्निंग में ही फूलने के लिए रख दिया था, तो काबली चने को फूलने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, तो 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए, मैं काबली चने को जो है कुकर में बॉइल होने के लिए रख देती हूँ, और साथ में ही सेक लूँ। पर जो है अभी बज रहे हैं 6:30, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने छोले भिगो कर रखे हुए थे उन्हीं को मैं कुकर में बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। साथ में ही आप देख सकते हैं टिक्कू हमारा काफ़ी मस्ती कर रहा है, उसे पानी से खेलने में काफ़ी मज़ा आता है।
यहाँ पर जब तक जो है छोले बॉईल हो रहे हैं तो मैं सेक लूंगी रोटियाँ। यहाँ पर जो है रोटियों मैंने लगा दिया घी, और साथ में ही यहाँ पर देख सकते हैं आप गर्म पानी से जो है मैं निकटिकू के पानी की बोतल साफ़ कर रही हूँ। तो मैं इसे हर 5-6 दिन में जो है गर्म पानी से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है अब मैंने बनने के लिए रख दी है चाय, और जब तक मेरी चाय बनती है तो मैं प्याज को है जो कट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है, और साथ में यहाँ पर जो है मेरी चाय भी बन चुकी है। तो चलिए पहले मैं पी लेती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगी छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच, और साथ में ही इसमें ऐड कर दूँगी जीरा। और जीरा ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं 2-3 तेज़पत्ता। तो यहाँ पर जो है तेज पत्ता और जीरा हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज का पेस्ट जो मैंने बना कर रखा हुआ था, और प्याज के पेस्ट को मैं यहाँ पर जो है भून लूँगी। और भूनने के बाद इसमें सारे सूखे मसाले और टमाटर है उनको भी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाई थी, तो मैंने सारे सारे मसाले डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं हर सब्ज़ी का मसाला है जो अच्छे से भूनती हूँ, क्योंकि मसाला जब अच्छे से भुन जाता है तो सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मसाला भुनने के बाद मैंने ऐड कर दिए इसमें छोले जो मैंने बॉईल किए थे, और इसके बाद इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है छोले में। यहाँ पर जो है हमारी छोले की सब्जी है बनकर तैयार, और आज रात का आप डिनर दे सकते हैं रोटी, छोले की सब्जी, साथ में ही पापड़, सैलेड, अचार और चावल। तो यहाँ पर जो है हम लोग खा रहे हैं खाना। यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं रख रही हूँ सब्जियाँ। तो मैं जो है खाना बनाने के बाद लेने गई हुई थी सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैं बता दूँ घर के काम के साथ साथ मुझे ये काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि सब्जी जो है मेरे मिस्टर को लेना नहीं आती है, तो सब्जी लेने के लिए मुझे ही जाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस बार जो है 2 बड़े बड़े गोभी लेकर आई हूँ। तो इस बार जो है मैं फूल गोभी के बनाऊँगी पराठे, और साथ में ही यहाँ पर जो है मैं सब्जियाँ रख रही हूँ। तो बड़ी बड़ी सब्जी है जो मैं बास्केट के अंदर रख देती हूँ, बाकी छोटी छोटी जो है मैं अलग अलग छोटी छोटी बास्केट में रख देती हूँ।
सारी सब्जियों को रखने के बाद अब जो है मैं करूँगी किचन को क्लीन, और साथ में ही जो हमारे रात के डिनर के बर्तन हैं उनको भी करूँगी क्लीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन भी मेरी क्लीन हो चुकी है, साथ में ही यहाँ पर मैंने किचन भी क्लीन कर दी है। तो रात को जो है मैं किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, और किचन को क्लीन करने के बाद अभी बज रहे हैं यहाँ पर 11। तो मैं जो है निक्कू के स्कूल का पैंट है उसकी सिलाई खुल गई थी, तो मैं यहाँ पर वही उसके पैंट में लगा रही हूँ सिलाई। चलिए फ्रेंड्स, तो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी बज चुके हैं रात के 11:30। तो आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।